बोलिए, मैं अपूर्वा चौधरी बोल रही हूँ। कल आपका इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ये देना। जिस तरह से आपने उस हादसे का एनालिसिस किया है, लाजवाब है। लगता है आप भी कभी रंगमंच से जुड़ी थी। एक कलाकार की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं। हेलो, लगता है कुछ डिस्टरबेंस है। नहीं, वो पैदाइशी है जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी न किसी को कुछ साबित करके दिखाना चाहता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब वो बड़े गुनाह पर उतर आएगा, जैसे कि बैंक रॉबरी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर निहाल से ये कह देना, शायद वो उसे रोक सके। लेकिन आप हैं कौन? हिचकॉक। क्या? हिचकॉक। हिचकॉक? रुकिए मैडम। मैनेजर साहब है? बैंक 8:30 बजे खुलता है मैडम। नहीं नहीं, मैं उनकी साली हूँ, बाहर गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए। मेरी चिट्ठी आई क्या? दिनाना था हरि रूपा सुंदरा चंदरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधु लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला। मिस्टर गुप्ता, ये 15 लाख कैश हैं, गिन लो। यस सर। सब सर के पीछे हाथ करो, कोई हिलना नहीं। दिखो मत, दिखो मत, जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता, सिर्फ ओथेलो डेस्डिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो आप बताइए, उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर, उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर, उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था? नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर, कलर लाल। वाइट। तुझे क्या, तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात काटती है, तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शंपायन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं सर। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूटकर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। खुद तो कुछ कर ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या? ये माइक। ये क्या इनाम इनाम की बात कर रहे हो तुम? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए, आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना, तो मैं भी एक हाथ क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी,
और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me, यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? हाँ जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। मल्ला, आज तुम्हारी पैसों की वजह से ये थिएटर टूटने से बच गए। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। कितना काम करती हो भाई, कुछ वक्त अपने तफरी के लिए भी निकाल लिया करो भाई। अगर तुम कहो तो हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं और वी कैन सी अ मूवी टुगेदर। नहीं सर, आपके और आपके बीवी के बीच में मैं कबाब में हड्डी लगूंगी। कोई जरूरी नहीं है भाई, तुमने यश चोपड़ा की फिल्म दाग नहीं देखी जो परसों टीवी पे आ रही थी? व्हाट अ फिल्म यार, मैं तो उस फिल्म का फैन हो गया, स्पेशली दैट सॉन्ग, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अच्छा, उसमें राजेश खन्ना की माशूक है शर्मिला टैगोर और उसकी पत्नी है राखी, और क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना राखी और शर्मिला टैगोर दोनों को साथ रख लेता है यार। दे ऑल स्टे टुगेदर, वेयर इज द प्रॉब्लम भाई? जब दो लोग खुशी खुशी साथ रह सकते हैं तो फिर तीन क्यों नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा सर, तीन तो क्या, हमारे ऐसी मिसालें हैं कि छह भी एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। क्या बात कर रही हो, दैट्स फैंटास्टिक यार, हु इज द लकी पर्सन? द्रौपदी और पांच पांडव। मैंने तो सोच लिया मैं भाभी जी को फोन करके बोलने वाली हूँ, अगर एक सन्याल साहब आपको इतना खुश रख सकते हैं तो चार और आपको कितना खुश रख सकेंगे। What do you mean? सर, अगर आप यश चोपड़ा के दाग के इतने बड़े फैन हैं, तो मैं भी बीआर चोपड़ा की महाभारत की बहुत बड़ी फैन हूँ। भाभी जी को फोन करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अपूर्वा बाहर जा रहा हूँ। There's someone waiting for you in the lobby. Excuse me, sir. अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है? उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को अपनी बातों में तब तक उलझा के रखना है जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। ऑब्वियसली यही एक तरीका उसको पकड़ने का, समझी? अब जैसे उसका फोन आया और तुमने उसकी आवाज पहचान ली, ये बात तुम कांचन से कहोगी और कांचन हमें टेलीफोन करके बताएगा कि फोन कहां से आ रहा है, समझी? अंडरस्टूड? लो एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फोन उठाओ, उठा उठा। हेलो हेलो, ये तो वही है। वेरी गुड, अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो वही है। कौन? वही जो मुझे फोन करता है। ओ, जस्ट कीप टॉकिंग। लेकिन मैं उससे बात करती रहूं? क्या 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 बोलूं क्या मैं?